तीन साल का तज्ज जाहिर है तीन साल का ही तज् करना चाहिए और मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट से ही शुरू करूँगा क्योंकि एक्सपोर्ट वन एरिया आपने आठ साल का कहा था तो उसको दो एरियाज भी कहा बिल्कुल वो आठ साल पहले जो आपने जिक्र किया था वो बिल्कुल सही है और अगर मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स में हमारी जो एक कमी थी वो एक्सपोर्ट्स थी लेकिन उसमें भी अगर हम देखें कि लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल 24.8 बिलियन डॉलर्स हमने अचीव किया था और थर्टीन परसेंट ग्रोथ थी लास्ट ईयर में विदाउट मेजर डिवेल्यूशन अब तीन साल के बाद हम उससे भी तकरीबन नीचे होंगे अगर मई का नंबर देखा जाए 1.7 बिलियन बिलियन डॉलर्स है 24 डॉलर क्रॉस कर जाएगी लेकिन 25 ना कर भाई है। मैं कह रहा पच्चीस तीन साल में तो आपको ग्रोथ दिखानी होती है ना ग्रोथ दिखानी होती है मैं सिर्फ एक तो ये मित है ना एक्सपोर्ट 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 और हर चीज का तीन साल का ही हम तजिया करेंगे शौकत तरीन की तरह आज से नहीं शुरू करेंगे क्या हम ये करने जा रहे हैं बोर्ड्स को चेंज करेंगे सवाल तो पैदा होता है कि बोर्ड्स को क्यों नहीं चेंज किया गया था तीन साल और खुद बकौल तरीन साहब के कि ये इतनी कमी हुकूमत है कि इन्होंने ढाई साल में बोर्ड्स भी नहीं चेंज किए थे पब्लिक सेक्टर Enterprises के तो वो ठीक कैसे होती? जब भी नहीं आप लगा सकते थे यार घंटे लगते ना करने में अगर अगर मुझे कोई दे अगर ये आज ना कि किसी भी कंपनी का पब्लिक सेक्टर का बारह बंदों का या दस बंदों का बोर्ड बनाना मैं बारह घंटे लूंगा और मैं बना एक इसी तरह से अगर हम देखें आज शौकत तरीन साहब ने जिक्र किया था आपने टैक्स महसूल का ख़ुद जिक्र कर दिया कि तीन साल में अगर हम देखें तो हमारी सबसे बड़ी नाकामी है क्योंकि वो इनकम है वो आएगी तो उसी से आपने सारी चीज़ें पूरी करनी है आपने चाहे आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं सुबों को उसी में से एन एफ अवार्ड के तहत पैसा मिलता है सुबह को अगर उस हिसाब से ग्रोथ नहीं मिलेगी जो कि नहीं मिली तो जाहिर सी बात है एजुकेशन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीजें सूबों की अफेक्ट होंगी और जो कि हैं पूरी तरीके से एंड देर वॉज नो रीजन जिस तरह आपने कहा ना नॉमिनल दो फैक्टर्स इन्होंने किए जिसकी वजह से एक डिवेल्युशन जब किया पहले साल में तो आपको पता है कि पताल करने से एक स्ट्रेट वे आपको टैक्स कलेक्शन में इजाफा मिलता है तो वहां पहले साल 600 अरब का नाकामी थी दूसरी बात यह है कि जो इस हुकूमत को जो फोकस करन, करना चाहिए था जिन चीज़ों पर और मैं एक और सॉरी जिक्र करता दूँ क्योंकि उसमें मेरा पर्सनल एक इंटरेस्ट भी है शौकत तरीन साहब ने जिक्र भी किया था प्राइवेटाइजेशन का अब तीन साल हो गए बिल्कुल इसमें तो नंबर्स गेम है बिल्कुल आमने सामने पंद्रह महीने के बाद हमने कंट्रीब्यूट किया था नेशनल एक्सटेक्यूट को टू पॉइंट डॉलर्स टू पॉइंट वन बिलियन डॉलर्स पहले पंद्रह महीने इन्होंने कितना किया है

कोविड का आपने खुद जिक्र किया कि कोविड में आपको बहुत से बेनिफिट्स भी मिले सेवन बिलियन डॉलर अच्छा दूसरी बात यह है कि देखें नदीम जो भी हुकूमत आती है उसको बहुत से मेजर डिजास्टर 2006 में बहुत बड़ा जल्जिला आया था और उस वक्त की इकोनॉमी ठिल गई होगी दो में या नौ में दो साल बैक टू बैक सिलाब आया था बुरे तरीके से जब हमारी हुकूमत आई थी शिबली फराज साहब पूरे पाकिस्तान में बम गिरते थे पूरे पाकिस्तान में टेररिज्म थी कोई शहर कोई कस्बा यूनिवर्सिटी मस्जिदें कोई ऐसी जगह नहीं थी कराची में 24 घंटे के लिए गोरा जाने के लिए तैयार नहीं था डेट इज द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ पाकिस्तान वहां से हमने उठाया था सो so, बहाने जो होते ना आपको क्लीन स्लेट कहीं भी नहीं मिलेगी यू हैव टू प्रोड्यूस एंड परफॉर्म सबसे बड़ी नाकामी तीन है बेरोजगारी गुर्बत और महंगाई महंगाई का, का मैं सिर्फ लास्ट हाफ अ मिनट लूंगा महंगाई का ये कहते हैं कि आज भी शौकत अजीज शौकत रीन साहब कह रहे थे कि जी वो इंटरनेशनल प्राइसेस तो क्या इंडिया में इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं अफेक्ट करती क्या श्रीलंका में नहीं करती क्या भूटान में नहीं करती नेपाल में नहीं करती डबल से ज़्यादा हमारे